हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। डीएसएसपी की वेरियस पोस्ट पे एग्जामिनेशन चल रहे हैं। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डास ग्रेड टू का पेपर टू, मतलब टायर टू मेंस का पेपर लेकर आया हूँ डास ग्रेड टू का, क्योंकि बहुत लोग का पेपर होने वाला है। पेपर का डेट आ चुका है, एग्जामिनेशन में 5-6 दिन बचे हुए हैं, बहुत लोग का पेपर स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मुझसे बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाकर डाला है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने फिर से लेकर डाला था। तो मैं फिर से एक लेकर आया हूँ, प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, और ये प्रैक्टिस सेट तो नहीं कह सकते, डास ग्रेड टू टायर टू का पेपर है आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको करना होगा उसे पॉज कर लीजिएगा आप और सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि साइड से थोड़ा कट गया है क्वेश्चन से, लेकिन तब भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सब प्रैक्टिस आप करके जा सकते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन करना होगा उसे पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। मेन पर्पज से पैक ले आने का इसका, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जाइए एग्जामिनेशन में और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। बहुत लोग मुझसे मैसेज कर कह रहे थे कि प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए इसे सीरीज़ को, तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और कोशिश करेंगे कि इसे आगे भी कंटिन्यू करें। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF इसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाइए वहाँ पर। डास ग्रेड टू का प्री का मैंने पेपर डाला है, उसी में मैंने कंबाइंड कर दिया है डास ग्रेड टू मेंस का पेपर को मैंने कंबाइंड कर दिया है, और 20 शिफ्ट के PDF है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि PDF पे अवेलेबल करवा दीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, DSSP के सारे एग्जामिनेशन के PDF आपको नीचे मिल जाएंगे। आप जो भी पेपर आपको चाहिए, अभी हाल में पेपर हुए हैं अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, अक्टूबर तक का मैंने अपडेट कर दिया है, नीचे आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। जैसे डास ग्रेड टू का पेपर मैंने बताया आपको, डास ग्रेड फोर है, दो दो पेपर है, एक जो सितंबर में हुआ था, एक अक्टूबर में हुआ था, दोनों पेपर मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने स्टेनोग्राफर, LDC, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क, मेडिकल क्लर्क, जितने भी पेपर होते हैं, PRT के पेपर मैंने डाल दिए हैं जो 2018 में पेपर हुए थे, तो उसके लिए मैंने पेपर डाल दिए हैं जो अक्टूबर नवंबर में ऑनलाइन पेपर हुआ था PRT का। तो मैंने हर तरीके से कोशिश किया है आपके लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आते रहता हूँ मैं, इस तरह ऑनलाइन भी लेके आता हूँ। PDF मैंने बना कर रखा है नीचे, साथ साथ मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा है, प्लेलिस्ट दो तीन प्लेलिस्ट बना कर रखा है, प्रीवियस ईयर DSSP क्वेश्चन पेपर्स लिख कर मैंने रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मेन पर्पस है प्रैक्टिस करके जाइए एग्जामिनेशन में और अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई जिन्होंने पेपर अभी दिया है हाल फिलहाल में, आप प्रैक्टिस करके गए हैं प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ के पेपर आप बना के गए हैं, हाल फिलहाल जितने पेपर हुए हैं सबका मैंने PDF दे दिया है, अगर आप बना के गए हैं तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा भी है कि क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी हुए हैं। मैं आपसे ये भी कहूँगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं मैथ्स में, ऐसा देखने को मिला है कि मैथ्स में और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन हैं बहुत सारे रिपीट होने को मिले हैं। आप भी एग्जामिनेशन में जाइएगा, डास ग्रेड टू का मेंस का पेपर देने जाइएगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि DI के क्वेश्चन हैं, 5-6 क्वेश्चन ऐसे हमेशा शिफ्ट में आ रहे हैं जो कि एकदम रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस मंथ में जो पेपर हुए हैं उससे क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, प्रैक्टिस करके जाइए एग्जामिनेशन में और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करके आएँ एग्जामिनेशन में, अच्छा अटैम्प्ट रहेगा तो अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, या कम अटैम्प्ट होगा तो नंबर कम आएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग एटलीस्ट होता ही है, कितना भी आप अच्छे अटैम्प्ट कर लीजिए लेकिन माइनस मार्किंग होता ही है, तो अच्छे नंबर कुछ कट जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि प्रैक्टिस करके जाइए एग्जामिनेशन में और कोशिश कीजिए कि अच्छे नंबर स्कोर करें। अब बात कर लेते हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे कैसे कलेक्ट करना पड़ता है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको, उन्हें भी मिल जाए कि ऑनलाइन क्वेश्चन अवेलेबल है। बहुत लोग PDF जाके बहुत लोग डाउनलोड कर लेते हैं बहुत सारे पेपर्स पुराने और वो 5-7 साल पुराने, और जो कि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्रीवियस मंथ में पेपर जो हुए थे अगस्त में सितंबर में वो बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, अक्टूबर में जो पेपर हुए थे उससे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बुक्स जाकर खरीदते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, तो आपको मिलेगा 5-6 साल पुराना, क्योंकि DSSP हमेशा 4-5 साल बाद एग्जामिनेशन लेती है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो 5-4 साल पुराना मिलते हैं शॉप में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दुकान से लेते हैं तो कोई बात नहीं, ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा लेटेस्ट बनाइए एग्जामिनेशन में, क्योंकि बच्चों से मेरी बहुत सारी बात हुई है, सब ने यही कहा है कि प्रीवियस मंथ में जो पेपर आए हुए हैं उससे अच्छा अटैम्प्ट रहा है उनका। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि प्रीवियस मंथ के पेपर बनाइए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, मैंने इसमें देखा है, और मैं आपसे कहूँगा कि इसे आप बनाइए, पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो आए हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, करंट अफेयर्स मत बनाइएगा, पुराना करंट अफेयर्स है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप GS बना सकते हैं, मैथ्स बना सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं, और आप हिंदी जो भी बनाना चाहते हैं, हिंदी नहीं होता है सॉरी, इसमें जो आप बनाना चाहते हैं रीजनिंग सब बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अभी हाल फिलहाल जितने पेपर चल रहे हैं मैं कोशिश करता हूँ एग्जामिनेशन रिव्यू लाने का। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो डास ग्रेड टू का मेंस का पेपर हो तो उसका एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर आऊँ आपके सामने, और आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाएँ एग्जामिनेशन में और अच्छे नंबर लाएँ। देखिए बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हो रही है, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी कहें मुझसे कि उनके पेपर्स जो हैं अभी हाल फिलहाल पेपर होने वाले हैं। तो देखिए मैं कलेक्ट करता हूँ क्वेश्चंस उनसे, उनसे कोशिश करता हूँ पेपर्स लाने के लिए, या फिर आप लोग के पास लेके आता हूँ, आप लोग उसे देखते हैं और पसंद करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ हमेशा। इसे बहुत लोगों ने पसंद किया है और बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि सर प्लीज़ डास ग्रेड टू का मेंस का पेपर का कंटिन्यू कीजिए सीरीज़। आपने एक पेपर एक वीडियो बना के डाला था और एक दो वीडियो बनाई है, हमारा पेपर स्टार्ट होने वाला है, तुरंत होने वाले हैं। तो मैं चलो ठीक है, मैं और एक सेट बना के ढूंढता हूँ और कोशिश करूँगा आपके सामने लेके आने के लिए। तो मैं आपके सामने लेकर आया, तो ये मैंने पूरा वीडियो दिखाया आपको। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और जैसे पीडीएफ चाहिए पीडीएफ नीचे से ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में पीडीएफ अवेलेबल है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।